वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 16 अक्टूबर 2018 और 16 अक्टूबर 2018 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए, लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी। और मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूं, तो आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके उस पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ अनअकैडमी पर जुड़ सकते हैं। वैसे मैंने अपनी अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके भी मेरे साथ अनअकैडमी पर जुड़ सकते हैं। और जो भी वीडियो मैंने अनअकैडमी पर अपलोड किए हैं उन्हें आप बिल्कुल फ्री देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 15 अक्टूबर को ग्रामीण महिला दिवस मनाया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब माइंड में एक और क्वेश्चन आना चाहिए कि आखिर ये ग्रामीण महिला दिवस मनाया क्यों जाता है? तो ग्रामीण परिवारों और समुदायों में जो महिलाएं रहती हैं उनकी स्थिति में सुधार करने के लिए और उन्हें आजीविका के साधन उपलब्ध कराने के लिए हर साल 15 अक्टूबर को ग्रामीण महिला दिवस मनाया जाता है। अच्छा, ये ग्रामीण महिला दिवस है तो इसकी थीम भी आपको याद रखनी है। थीम सब भी इंपोर्टेंट डे की इंपोर्टेंट होती हैं, तो जितने भी डे मनाए जाते हैं उनकी थीम आप जरूर याद करिए। तो 2018 के ग्रामीण महिला दिवस की थीम है सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस एंड सोशल प्रोटेक्शन फॉर जेंडर इक्वलिटी एंड द एम्पावरमेंट ऑफ रूरल वुमेन एंड गर्ल्स। तो ये थीम आपको याद रखनी है। तो ये तो बात हुई ग्रामीण महिला दिवस की। अभी अक्टूबर में कई सारे इंपोर्टेंट डे मनाए गए हैं और मैंने आपको रिवाइज भी कराए गए। अक्टूबर में जितने भी इंपोर्टेंट डे बनाए गए मैंने दो बार आपको रिवाइज करा दिए, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। 1 अक्टूबर को क्या मनाया गया था? अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस। और इस बार 1 अक्टूबर को एक और इंपोर्टेंट डे मनाया गया था, वो कौन सा था? वर्ल्ड हैबिटेट डे, यानी कि विश्व आवास दिवस। तो इस बार के 1 अक्टूबर को ये दो इंपोर्टेंट डे मनाए गए हैं। उसके बाद आता है 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को होती है गांधी जयंती, और गांधी जयंती पर क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। उसके बाद आता है 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर को मनाया गया था वर्ल्ड टीचर्स डे। उसके बाद आता है 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर को मनाया गया था इंडियन एयरफोर्स डे। उसके बाद आता है 9 अक्टूबर। 9 अक्टूबर को मनाया गया था वर्ल्ड पोस्ट डे। और उसके बाद आता है 10 अक्टूबर। तो 10 अक्टूबर को क्या मनाया गया था? अंतर्राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य दिवस, यानी कि मेंटल हेल्थ डे। उसके बाद आता है 11 अक्टूबर। 11 अक्टूबर को क्या मनाया गया था? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। और उसके बाद आता है 13 अक्टूबर। 13 अक्टूबर को मनाया गया था आपदा न्यूनीकरण दिवस। अब ये 15 अक्टूबर को मनाया गया है ग्रामीण महिला दिवस। 15 अक्टूबर को एक और इंपोर्टेंट डे मनाया जाता है, वो मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताऊंगा। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। कल के वीडियो का हमने टारगेट रखा था 40,000 लाइक का। आपने टारगेट पूरा करने में टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगाया, तो आज के इस वीडियो का हम फिर से टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तब आप इसे लाइक जरूर किया करो, और लाइक करने के बाद आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। और मैं आपसे डेली बोलता हूं कि मॉर्निंग में उठकर अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 6वीं अंतर सत्री मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो अभी हाल ही में 6ठी अंतर सत्री मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित की गई है सिंगापुर में, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। RCEP मीटिंग हुई है ये सिंगापुर में। अब RCEP की फुल फॉर्म क्या होती है? रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ये होती है RCEP की फुल फॉर्म। और इसकी 6ठी बैठक हुई है सिंगापुर में। अब ये बैठक हुई है सिंगापुर में तो इसमें किसने पार्टिसिपेट किया है? तो इसमें आसियान कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है। अच्छा, फिर नाम आ गया आसियान का। आसियान ये पूरा टर्म ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आसियान की फुल फॉर्म बहुत पूछी जाती है। आसियान की फुल फॉर्म क्या होती है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। आसियान की स्थापना कब हुई थी? 1967 में। और आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में है आसियान का हेडक्वार्टर। और आसियान में कितने मेंबर स्टेट हैं? आसियान में 10 मेंबर स्टेट हैं और 2 ऑब्जर्वर स्टेट हैं। एक क्वेश्चन और बन सकता है आसियान से कि आसियान के प्रेजेंट टाइम पे सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो लिम जैक होई, ये प्रेजेंट टाइम पे आसियान के सेक्रेटरी जनरल हैं। क्योंकि आसियान कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया है इसलिए मैंने आपको आसियान के बारे में भी बता दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में सेंटो डोमिंगो ओपन ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? तो अभी हाल ही में सेंटो डोमिंगो ओपन ट्रॉफी का खिताब जीता है लियंडर पेस ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, ये है लियंडर पेस। अच्छा, इसमें दो लोग हैं, इसमें कौन से लियंडर पेस हैं? तो इसमें जो आपको ग्रीन ट्रैक सूट में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं लियंडर पेस, जो लेफ्ट हैंड साइड में खड़े हैं, यही हैं लियंडर पेस, और इन्होंने सेंटो डोमिंगो ओपन ट्रॉफी खिताब जीता है। अब ओपन ट्रॉफी तो आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन ये सेंटो डोमिंगो क्या है ये नहीं समझ में आ रहा होगा। तो ये डोमिनिक रिपब्लिक की कैपिटल है। अब डोमिनिक रिपब्लिक कहाँ पे है, तो आप मैप में देखिए, ये है डोमिनिक रिपब्लिक, इसकी कैपिटल है सेंटो डोमिंगो, और इसी के नाम पे है ये सेंटो डोमिंगो ओपन ट्रॉफी, और ये किसने जीती है? लियंडर पेस ने। तो आपने मैप में देख लिया डोमिनिक रिपब्लिक, इसकी कैपिटल है सेंटो डोमिंगो, इसकी करेंसी है पीसो, और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है डेनियला मेडिना। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और चीन ने किस देश के लिए अपने राजनीतिज्ञों यानी कि डिप्लोमेट्स को प्रशिक्षित करने के लिए संयुक्त कार्यक्रम शुरू किया है? तो अभी हाल ही में इंडिया और चाइना ने अपने डिप्लोमेट्स को ट्रेन करने के लिए एक ज्वाइंट प्रोग्राम शुरू किया है, और ये कहाँ के डिप्लोमेट्स को ट्रेन करने के लिए शुरू किया है? तो ये अफगानिस्तान के डिप्लोमेट्स को ट्रेन करने के लिए, जो अफगानिस्तान में इंडिया और चाइना के डिप्लोमेट्स होंगे उनको ट्रेन करने के लिए इंडिया और चाइना ने एक ज्वाइंट प्रोग्राम शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये अफगानिस्तान के लिए ट्रेन किया है, तो आप मैप में देखिए, ये है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल, अफगानिस्तान की करेंसी है अफगान अफगानी, और अफगानिस्तान के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? अफगानिस्तान के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है अशरफ गनी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वायु प्रदूषण का मुकाबला करने के लिए ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान, अब यहाँ पे GRAP भी लिखा मिलेगा आपको कई जगह, तो इसी की फुल फॉर्म है ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान, कहाँ लागू किया गया है? तो ये दिल्ली NCR में लागू किया गया है, GRAP, वायु प्रदूषण का मुकाबला करने के लिए नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इसे लागू किया है। आपने देखा होगा जब सर्दियां शुरू होती हैं तो दिल्ली में स्मॉग छा जाता है, बहुत ज्यादा स्मॉग हो जाता है। अब उसका भी रीजन है, दिल्ली के आसपास का जो एरिया है उसमें क्या होता है, फसलों की कटाई होती है, और वो कटाई होती है उससे जो उसके बाद जो बचा हुआ होता है वेस्ट, उसको जला दिया जाता है, उससे धुआं उठता है, और वो धुआं पूरे NCR पे छा जाता है, तो इसलिए बहुत ज्यादा स्मॉग हो जाता है इस टाइम NCR में। तो इसी के लिए ये GRAP लागू किया है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने, जिससे क्या होगा, अगले 2-3 दिन बाद जितना स्मॉग होने वाला है उसका पहले से पता चल जाएगा, उसके बेस पे पहले से कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये है ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान, और ये कहाँ लागू किया गया है, दिल्ली NCR में। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, और इसे किसने लागू किया है, तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय महिला किसान दिवस कब मनाया गया? तो मैंने अभी आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया था कि 15 अक्टूबर को एक और इम्पोर्टेंट डे मनाया गया है, वो यही है राष्ट्रीय महिला किसान दिवस। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये क्यों मनाया जाता है, तो आपने देखा होगा जो किसान होते हैं उनकी महिलाएं भी खेतों में काम करती हैं, तो उनकी महिलाओं को इम्पोर्टेंस देने के लिए, उनके हकों को सुरक्षित रखने के लिए ये राष्ट्रीय महिला किसान दिवस मनाया जाता है हर साल 15 अक्टूबर को। अच्छा, किसान दिवस कब मनाया जाता है, इससे भी इम्पोर्टेंट ज्यादा है किसान दिवस। तो किसान दिवस मनाया जाता है चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर, हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं चौधरी चरण सिंह जी, उनके जन्मदिन को मनाया जाता है किसान दिवस के रूप में। तो कब होता है उनका जन्मदिन, 23 दिसंबर को उनका जन्मदिन होता है, और 23 दिसंबर को ही किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सितंबर में WPI मुद्रास्फीति बढ़कर कितनी हुई है? तो अभी हाल ही में सितंबर में WPI मुद्रास्फीति बढ़कर हो गई है 5.13%, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आपने अभी देखा पेट्रोल और डीजल के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़े हैं, इसीलिए सितंबर में WPI मुद्रास्फीति बढ़कर 5.13% हो गई है। अब ये जो टर्म लिखा है WPI, ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो इसकी फुल फॉर्म होती है होलसेल प्राइस इंडेक्स। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म, होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो WPI मुद्रास्फीति बढ़कर सितंबर में हो गई है 5.13%, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में CSIR का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में CSIR के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं शेखर मांडे,
यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही हैं शेखर मांडे, और ये अभी हाल ही में CSIR के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। अब ये जो टर्म लिखा है CSIR, इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म? द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो इसके नए महानिदेशक बने हैं शेखर मांडे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छठा अंतरराष्ट्रीय रेशम मेला कहां आयोजित किया गया है? तो अभी हाल ही में छठा अंतरराष्ट्रीय रेशम मेला आयोजित किया जाएगा नई दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आज यानी कि 16 अक्टूबर को इसका उद्घाटन होगा। तो छठा अंतरराष्ट्रीय रेशम मेला कहां आयोजित किया जाएगा? ये नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। अब बात आ गई है यहां पर रेशम की, तो एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है, वो मैं आपको बता देता हूं। रेशम के उत्पादन में इंडिया सेकंड नंबर पे है, ये आप याद रखिए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेशम के उत्पादन में इंडिया कौन से नंबर पे है, तो आप बताएंगे सेकंड नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैकल्पिक नोबल पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है मैरिसे कोंडे ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब नोबल पुरस्कार तो हमने सुना है, अब ये वैकल्पिक नोबल पुरस्कार का क्या मतलब है? आपको पता है नोबल पुरस्कार कई सारे फील्ड में दिया जाता है। इस बार का साहित्य का नोबल प्राइज नहीं दिया गया है, और साहित्य का नोबल प्राइज नहीं दिया गया है इसीलिए 100 से अधिक लेखकों, कलाकारों और पत्रकारों ने मिलकर एक अलग प्राइज बनाया और उसका नाम रख दिया है वैकल्पिक नोबल पुरस्कार। 100 से अधिक लेखकों, कलाकारों और पत्रकारों ने मिलकर एक न्यू अकेडमी बनाई है और उसी का ये अवार्ड है न्यू अकेडमी अवार्ड, और इसी को कहा जा रहा है वैकल्पिक नोबल पुरस्कार। तो ये न्यू अकेडमी अवार्ड मिला है मैरिसे कोंडे को, तो ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में AI चैटबॉट आस्क दिशा किसने लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में IRCTC ने AI चैटबॉट आस्क दिशा लॉन्च किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये AI चैटबॉट का क्या मतलब है? तो इस AI टर्म का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब ये क्या होता है, आपने देखा होगा कई सारी ऐप ऐसी होती हैं जिसमें आप मुंह से क्वेश्चन पूछते हैं और उसका आंसर आपको ऑटोमेटिक मिलता है। वो आंसर कोई इंसान बैठ के नहीं करता है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, ऑटोमेटिक आपको आंसर मिलता है। तो इसी तरह का एक चैटबॉट लॉन्च किया है IRCTC ने। IRCTC से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है वो आप इस ऐप पर पूछ सकते हैं। इसका नाम है आस्क दिशा, आपको ऑटोमेटिक आंसर मिलेगा। तो एक तो आपको AI की फुल फॉर्म याद रखनी है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और दूसरा आपको IRCTC की फुल फॉर्म याद रखनी है। IRCTC की फुल फॉर्म होती है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टिकटिंग कॉरपोरेशन, तो इसकी फुल फॉर्म भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में युवा ओलंपिक खेलों में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो अभी हाल ही में युवा ओलंपिक खेलों में भारतीय हॉकी टीम ने रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता है, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब यहाँ पे एक कोइंसिडेंस है, पुरुष हॉकी टीम ने भी सिल्वर मेडल जीता है और महिला हॉकी टीम ने भी सिल्वर मेडल जीता है। पुरुष हॉकी टीम हमारी मलेशिया से हार गई और महिला हॉकी टीम हमारी अर्जेंटीना से हार गई, तो दोनों ने ये सिल्वर मेडल जीता है। पुरुष हॉकी टीम ने भी सिल्वर मेडल जीता है और महिला हॉकी टीम ने भी सिल्वर मेडल जीता है। और इस बार के युवा ओलंपिक खेल कहाँ हो रहे हैं? अर्जेंटीना की कैपिटल ब्यूनस आयर्स में, तो ये आपको याद रखना है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में आई GHI की रिपोर्ट में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, तो इसमें टॉप पे रहा बेलारूस, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था। GHI यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट में टॉप पे रहा है बेलारूस, और इस क्वेश्चन का आंसर मोस्टली स्टूडेंट ने सही दिया है और बहुत सारे स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में संस्कृत कोर्स को ऑनलाइन शुरू करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बना है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं। अलग अलग कम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम डेली फेसबुक पेज पर पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है या आपको अपनी करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पर इंद्रेश RC, INDRESHRC
इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। आज की वीडियो को आप टारगेट जरूर याद रखना, आज की वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर करना। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।